आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर हुई जांच में मिली कई खामियां। जनपद पौड़ी के जनता इंटर कॉलेज जखेटी में प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर संपादित की गई प्रक्रिया में अनेक खामियां सामने आई हैं। जनता इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। विगत 26 मार्च 2022 को विद्यालय में प्रबंध समिति के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में पारदर्शिता नहीं होने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोली ने शिक्षा मंत्री व आयुक्त गढ़वाल मंडल से शिकायत की। शिक्षा मंत्री व आयुक्त ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट को जांच के निर्देश दिए थे। मामले में अपर निदेशक ने मामले की जांच कर रिपोर्ट शिक्षा मंत्री व उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। जांच में पाया कि प्रबंध समिति के गठन के चुनाव के लिए सदस्यों की सूची का अनुमोदन नियमानुसार नहीं पाया गया है। प्रबंध समिति सदस्यता पंजीयन के लिए आजीवन सदस्य का शुल्क 5100 रुपये से लेकर 11000 रुपये की रसीद काटे जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन वह धनराशि बैंक में जमा नहीं की गई। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने बिना देखे परखे इस सूची का अनुमोदन किया है, साथ ही सदस्य के नाम पर भी एक उल्लेख सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदस्य के नाम पर सामान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि न तो उन्होंने कभी जनता इंटर कॉलेज की प्रबंध की सदस्यता ली और ना ही भविष्य में वे लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री व आयुक्त सहित उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। इंटर कॉलेज जखेटी में मैंने शिकायत की थी कि बाहरी लोगों को वहां का सदस्य बनाया गया है और जिला प्रशासक योजना के तहत चुनाव नहीं कराए गए। तो मैंने जिलाधिकारी जी को, आयुक्त जी को और विधायक और मंत्री जी को, सबको मैंने लेटर लिखा था, शिकायती पत्र लिखा था। उसके बाद उन्होंने सबने जांच अधिकारी बना दिए, अपर निदेशक गढ़वाल मंडल के, तो उनको जांच बनाया। तो उन्होंने मेरे को जांच में ये बताया कि उस चुनाव में काफ़ी गड़बड़ी अनिवार्य पाई गई, इस कारण मैं आप जिलाधिकारी जी को और आयुक्त को जी को उनको मैं लेटर दे रहा हूँ कि उस इंटर कॉलेज जखेटी के अनुमोदन को तत्काल रोका जाए। जखेटी इंटर कॉलेज में मैनेजमेंट का एक प्रकरण था, वहाँ पर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं साहब इलेक्शन गलत हुआ है, तो विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की गई। शिकायतकर्ता के द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी ने भी मुझे जांच के लिए लिखा है और कमिश्नर गढ़वाल मंडल ने मुझे जांच के लिए लिखा, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा भी जो है मुझे जांच के लिए कहा गया। तो मैंने इस प्रकरण की जांच की, तो अपनी जाँच में मैंने पाया कि 26 मार्च 2022 को जो सूची मुख्य शिक्षाधिकारी पौड़ी द्वारा इलेक्शन के लिए अनुमोदित की गई थी, वह उस सूची में केवल मात्र एक सदस्य था जो कि आजीवन सदस्य की अर्हता पूरी करता था। शेष कोई भी सदस्य आजीवन सदस्यता की अर्हता पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी विद्यालय की जो प्रशासन योजना जखेटी की है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी सदस्य जो आजीवन सदस्य ग्रहण करेगा वो 11000 रुपया या 5100 रुपया या कोई सामान जो 11000 से या 5100 रुपये से अधिक होगा वो देगा और ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जो है उपलब्ध कराएगा। तो हमने अपनी जांच में देखा कि वो चंदे की रसीद दे करके जो है चंदा रसीद काट करके लोगों को, किसी को 11000 किसी को 5100 ऐसा दिखा रखा है, किंतु ड्राफ्ट के माध्यम से कोई धनराशि पाई नहीं गई है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।